Bollywood Flashback. हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनू भाटिया बॉलीवुड फ्लैशबैक के आज के किस्से के साथ. और ये किस्सा ऐसा जिसने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति के करियर को बदल कर रख दिया. कविता कृष्णमूर्ति उन सिंगर्स में से हैं जिन्हें पहला बड़ा ब्रेक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया. कई साल वो उनके लिए गाती रही थी, लेकिन वो गीत जिन्हें सिर्फ शूटिंग के लिए रिकॉर्ड किया जाता और फिर लता जी या फिर आशा जी की आवाज में डब कर दिया जाता फिल्म के लिए. इसी दौरान एक गीत फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए भी कविता को दिया गया. ये गीत आशा जी गाने वाली थी. अब क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए वो नहीं आ सकती थी, तो फिर इन्हें बुलाया गया रिकॉर्डिंग के लिए. कहा गया कि भाई सिर्फ शूटिंग के लिए है. कविता स्टूडियो में पहुंची और जावेद जी ने पहला वर्ड लिखवाया. जी हुआ हुआ, कविता नर्वस हो गई. गाना आगे बढ़ता गया. इसमें 40 कोरस सिंगर्स, 100 म्यूजिशियंस थे. आसान नहीं था. शुरुआत हुई जी हुआ हुआ तो सब हंसने लगे, म्यूजिशियंस भी. 3-4 बार हुआ तब तक जब तक प्यारे लाल जी से डांट नहीं पड़ी. फिर तो एक ही टेक में गीत ओके हो गया. फिर 6 महीने बाद लक्ष्मी जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि वो जो गीत आपने गाया था वो आपकी ही आवाज में फाइनल हो गया है. बस खुशी तो बहुत हुई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं वो गीत दोबारा डब करती हूँ. लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, तुम खुद भी वैसे नहीं गा पाओगी. लेकिन मैंने बीच में गलती कर दी थी. मैंने वहां पर एक जो पहले अंतरे में जानू जो तुमने की जगह मैंने जीनू जो तुमने गा दिया. तो लक्ष्मी जी बोले अरे जी हुआ हुआ के साथ ऐसा लगेगा कि श्रीदेवी ऐसा ही बोल रही है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा. आपको भी मालूम नहीं था ना, ये देखिए फिर आप यहाँ देखिए आप. चलिए फिल्म मिस्टर इंडिया की बात हुई है तो इसी के साथ आपको एक और बात भी बताती हूँ. सिलसिला और साथ साथ इन दोनों फिल्मों के गीत लिखने के बाद जावेद अख्तर साहब के लिए ये तीसरी फिल्म थी जिसके लिए वो गीत लिख रहे थे. अब चूंकि पहली दोनों ही फिल्म्स में जो हीरो था वो पोएट था, तो उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए थी गीतों की वो बिल्कुल वैसी ही थी, पोएटिक. जब मिस्टर इंडिया के लिए काम कर रहे थे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा बोनी कपूर से कि भले ही इनसे स्क्रिप्ट ले लो मगर गीत मत लिखवाना, ये तो गीतों में भी शायरी लिख देता है. मगर फिर एक इवेंट में जावेद अख्तर साहब का उसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना हुआ और उन्होंने कहा वाह भाई क्या स्क्रिप्ट लिखी थी आपने और गीत भी आनंद बख्शी जी ने बहुत अच्छे लिखे थे. तो जावेद जी ने कहा अरे गीत मैंने ही लिखे थे. अरे वाह वाह, गीत आपने क्या गीत लिखा था, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से जो कभी ना भूले. तो इस तरह से भाई जावेद साहब को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अरे करते हैं हम प्यार